नमस्कार दर्शकों, इंडियन न्यूज के खास कार्यक्रम चर्चा पे आज स्वागत है। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट परमानंद पांडे जी। हम उनको सीधा हमारे टीवी स्क्रीन पे हम उनको आमंत्रित कर रहे हैं और उनसे चर्चा करेंगे। जो 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसको लेकर हम आज चर्चा करेंगे। परमानंद पांडे जी को हम आमंत्रित कर रहे हैं। पांडे जी, आपका स्वागत है हमारे इंडियन न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पांडे जी, हम चर्चा आज इस हमारी जो चर्चा है 11 दिसंबर को जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था धारा 370 को लेकर, आर्टिकल 370 को लेकर, आज उस पर हम चर्चा करेंगे और आपसे जानेंगे। चूंकि आप सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता है तो आपसे हम जानना चाहेंगे और हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि सबसे पहले आर्टिकल 370 है क्या। देखिए, आपने एक बहुत उचित सवाल उठाया क्योंकि लोग पूछते हैं कि धारा 370 खत्म कर दी गई, तो पहले आप जानिए कि धारा 370 है क्या। ये आपने अच्छा सवाल पूछा। धारा 370 ये भारतीय संविधान में जोड़ा गया, और मैं इसको वस्तुस्थिति बताऊं, हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस धारा के जोड़ने के पक्ष में नहीं थे। ये धारा बाद में जोड़ी गई उनके विरोध के बावजूद। उसमें यह था कि जम्मू और कश्मीर भारत में उनका विलय तो हो रहा है, लेकिन वह विलय कुछ चीजों पर ही हो रहा है, जैसे भारत की सुरक्षा भारत की जिम्मेदारी रहेगी जम्मू कश्मीर की, जैसे वहां पोस्टल व्यवस्था यानी डाक और तार विभाग उससे ये उनकी जिम्मेदारी भारत की रहेगी, और भारत की करेंसी वहां पर चलेगी, माने वहां नोट और पैसे मुद्रा वहां की चलेगी, और कई चीजों में उस भारत के संविधान वहां पर लागू नहीं होगा। इसी नाते आप जब देखते होंगे कि जो भारत के पार्लियामेंट अभी इस अब के पहले 5 अगस्त 2019 के पहले जो भी संविधान में संशोधन किया जाता था या जो बिल पास किए जाते थे उसमें ये साफ लिखा जाता था कि ये जम्मू कश्मीर के अलावा यह संविधान लागू होगा, तो वह उनको एक तरह का एक्सक्लूसिव अधिकार मिला हुआ था। उनको थोड़ा अधिकार यह कि वो उनको भारत की बहुत सारी चीजें नहीं लागू होगा। इस कारण देखेंगे कि धारा 370 तो तब आई, और धारा 35A वो भी जो डॉक्टर अम्बेडकर ने भी विरोध किया था, 35A के तहत यह हुआ कि वहां पर जो लोग मूल निवासी हैं उन्हीं को नौकरी करने का अधिकार होगा, वही जमीन खरीद सकते हैं, और जो बाहर के लोग हैं वो ना तो जमीन खरीद सकते हैं ना वहां उनको नौकरी पाने का अधिकार होगा। परिणाम स्वरूप ये स्थिति आ गई कि जो पाकिस्तान से आए हुए लोग यानी शरणार्थी थे वो जम्मू कश्मीर में आज भी इसी स्थिति में है कि वो शरणार्थी की हैसियत बना रहे हैं, जबकि भारत के अन्य हिस्सों में आए हुए शरणार्थी लोग भारत के प्रधानमंत्री तक बन चुके हैं, मनमोहन सिंह, इंद्र कुमार गुजराल, वर्तमान पाकिस्तान, तत्कालीन भारत से अविभाज्य भारत से आए थे और वो भारत के प्रधानमंत्री तक बन गए। लेकिन जम्मू कश्मीर में रहने वाले पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी आज भी शरणार्थी की तरह से रह रहे थे। उनको जब धारा 370 खत्म की गई और 35A को खत्म किया गया तभी जा करके उनको अधिकार मिला है कि अब वो भारत की तरह से अन्य राज्यों में जैसे सुविधाएं मिलती हैं वैसी ही सुविधा जम्मू कश्मीर में प्राप्त कर सकते हैं। यही 370 और 35A का मतलब हुआ। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे राज्यसभा में और उसके बाद लोकसभा में भी वो बिल पारित हो चुका है और राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई थी, तो ऐसा क्या आप उस जो पारित जो था आपका बोलेंगे जो विधेयक था उसमें क्या था एक्चुअल में? उसमें यही था कि धारा 370 को अब खत्म कर दिया जाता है, धारा 35A को अब खत्म कर दिया जाता है और जम्मू कश्मीर भारत का ऐसे ही अंग हो गया जैसे अन्य राज्य हो गए। जैसे अन्य राज्यों में आपको जो फंडामेंटल राइट है धारा 19 के तहत प्राप्त है, वही फंडामेंटल राइट
जैसे आपको भारत के भारत में कहीं भी आप जा सकते हैं, भारत में आपको किसी भी राज्य में सेटल होने की, किसी भी राज्य में आपको घूमने की, किसी भी राज्य में यूनियन बनाने की, किसी भी राज्य में आपको एसोसिएशन बनाने की, और पूरा स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन जिसको कहते हैं, वो सारी के सारी चीजें आपको वहां पर भी मिलेंगी। और जो फंडामेंटल राइट है, धारा 21 है, धारा 15 है, धारा 16 है, ये सब के तहत जो आपको सुविधाएं देश के अन्य भागों में मिलती हैं, वही सुविधा वहां पर भी आपको प्राप्त होगी, उसमें कोई अब अंखोमी बेसी नहीं आएगी। ये तो धारा 370 और 335 से पूरा संविधान से उसका पूरा खात्मा हो गया, अब वो कहीं रह ही नहीं गए। तो ये मुख्य रूप से था कि उसको उन्होंने पास किया था। जो आज की स्थिति आप देखिए कि वहां पर जब आरक्षण नहीं लागू था, आरक्षण का जैसे एक स्वीपर का लड़का, अगर मान लीजिए छोटी सिटी में एक जो सफाई कर्मचारी का लड़का है, तो वो सफाई कर्मचारी का लड़का चूंकि उसको आरक्षण नहीं मिला हुआ था, इस नाते वो आईएएस में नहीं आ सकता था, वो आईपीएस में नहीं आ सकता था, वो प्रदेश की सर्विसेज में ऊंचे पदों पर नहीं नियुक्त हो सकता था। जबकि देश में ऐसी स्थिति नहीं है, देश में ऐसी स्थिति है कि जो कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति आरक्षण का लाभ उठा करके वह बड़ी से बड़ी नौकरी प्राप्त कर सकता है और बड़ी से बड़ी सुविधाओं को ले सकता है। ये चीजें वो नहीं थी, इसी नाते हमको इसका स्वागत करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि अगर ये खत्म कर दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला विचारार्थ क्यों गया? वास्तविकता तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट जिस समय ये संविधान खत्म हो गया, उसी समय से ये अविभाज्य अंग हो गया जम्मू और कश्मीर। और अगर सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई कर रहा है तो आपको ये खुद ये समझ लेना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट उसी पर सुनवाई कर सकता है जो भारत का अंग होगा। जो भारत का अंग नहीं है उस पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कैसे कर सकता है? जैसे अगर कोई बांग्लादेश या पाकिस्तान में घटना होती है या श्रीलंका में घटना होती है तो भारत का सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई सुनवाई नहीं कर सकता है। इसी तरह से अगर जम्मू कश्मीर में कोई घटना हुई है तो पहले तो ये स्थिति थी कि वहां पर उसकी सुनवाई, धीरे धीरे ये बात आ गई थी कि सुप्रीम कोर्ट का अधिकार वो बढ़ा दिया गया था। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये स्थिति आ गई थी कि सुप्रीम कोर्ट भी को उसकी सुनवाई करने का अधिकार नहीं था। अब ये स्थिति आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो भारत के जैसे अन्य राज्यों में काम करते हैं वैसे ही वहां पर काम करेंगे। इसी बात के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया था और सुप्रीम कोर्ट का फैसला 370 पर उसी 11 दिसंबर को आया है। जी पांडे जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रहवासियों को क्या फायदा मिलेगा? देखिए, भारत की संसद को ये अधिकार है। एक चीज तो ये, हालांकि डिस्प्यूट की स्थिति ये है कि भारत की संसद को किसी भी राज्य को बांटने का अधिकार है और उसका पुनर्गठन करने का अधिकार है। जैसे आप देखिए, मध्य प्रदेश राज्य को बांट करके छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया, जैसे उत्तर प्रदेश को राज्य को बांट करके उत्तराखंड बना दिया गया, जैसे बिहार को बांट करके झारखंड को बना दिया, झारखंड बना दिया गया। तो ये भारत की संसद को पूरी तरह से अधिकार प्राप्त है कि वह चाहे तो पुनर्गठन कर सकती है। ये इसी अधिकार का उपयोग करते हुए भारत की संसद ने उसके उनको वहां पर दो राज्यों में बांट दिया, दो यूनियन टेरिटरी में बांट दिया। अब उस समय भी लोकसभा में, उस समय और राज्यसभा में सरकार ने, भारत की सरकार ने आश्वासन दिया था कि हम इनको थोड़े समय के लिए एक यूनियन टेरिटरी के रूप में रख रहे हैं, बाद में इनको एक राज्य की हैसियत से बना दिया जाएगा। लेकिन अभी की स्थिति जो समझ में आई है कि वह जम्मू और कश्मीर को तो एक राज्य के रूप में रखेंगे, लेकिन लद्दाख को वो यूनियन टेरिटरी के रूप में ही रखेंगे। यूनियन टेरिटरी भी भारत के संविधान का अधिकार है कि वो किसी क्षेत्र को यूनियन टेरिटरी घोषित कर दे, जैसे चंडीगढ़ को किया है, जैसे गोवा दमन दीव को किया है,
जैसे पुडुचेरी को किया है, ये यूनियन जैसे लक्षद्वीप मंदीप को किया है, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह को किया है, ये यूनियन टेरिटरी के तहत है। ऐसे ही यूनियन चंडीगढ़ को है, चंडीगढ़ भी यूनियन टेरिटरी है, तो ऐसे ही यूनियन टेरिटरी लद्दाख को रखे रहेंगे, लेकिन जम्मू और कश्मीर को एक राज्य के रूप में रहेंगे। जो अभी जो फैसला आया है उसमें मुख्य बात, सबसे प्रमुख बात ये आती है कि 30 सितंबर 2024 तक वहां पर चुनाव करा करके विधानसभा का पुनर्गठन कर दिया जाना है किसी भी कीमत पर। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है, भारत सरकार की जिम्मेदारी आ गई है कि अब वो 30 सितंबर 2024 तक यहां पर चुनाव कराए और विधानसभा का गठन कर दे, जिससे वहां का मुख्यमंत्री हो और मुख्यमंत्री के बाद ये लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद खत्म करके वहां पर राज्यपाल की नियुक्ति की जाए, जैसा कि अन्य राज्यों में होता है। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सार है, ये मुख्य बिंदु है। पांडे जी, वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, आप बने रहे इंडियन न्यूज के साथ। चर्चा हमारी जारी है, वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट परमानंद पांडे जी से चर्चा जारी रहेगा ब्रेक के बाद भी। हाय स्नेहा, क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आती। क्या बताऊँ, मेरा तो पूरा समय बच्चे के पीछे ही निकल जाता है, पर तू बड़ी रिलैक्स दिखती रहती है, बात क्या है? वो तो रहूंगी ही ना, मैंने एक स्मार्ट डिसीजन जो ले लिया है, अपने बच्चे को इंडो आईटी स्कूल केटी बोर्डिंग में एडमिशन दिलाकर। ऐसा क्या है वहाँ जो तू इतनी रिलैक्स रहती है? अरे मेरा बेटा मॉर्निंग 7 to 5 तो वही बिजी रहता है, सबसे अच्छी बात वहाँ का एजुकेशन और रिजल्ट दोनों ही शानदार है। हाइजीनिक ब्रेकफास्ट लंच ये सब डाइटिशियन की देखरेख में करता है। तुझे पता है वो बच्चों का ध्यान बिल्कुल स्मार्ट पेरेंटिंग की तरह ही रखती है। और तो और शाम को ऑफिस से आने के बाद भी कोई टेंशन नहीं, शाम को नाश्ता वहीं से करके आता है। दूसरी बात, वहाँ खेल कूद पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लासेस एंड अदर एक्टिविटीज का भी बहुत इम्पोर्टेंस है, इससे बच्चे फिजिकली और मेंटली बिल्कुल फिट रहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चों के अच्छे रिजल्ट्स के लिए कैंपस में ही ट्यूशन क्लासेस अरेंज की गई हैं, इसलिए तो मैं बिल्कुल रिलैक्स रहती हूँ। मींस होम अवे फ्रॉम होम? हाँ, इसलिए तो मैं अभी तुझे कहती हूँ, बी स्मार्ट एंड टेक द राइट डिसीजन फॉर योर किड। आखिर ये इंडो आईटी स्कूल है कहाँ? इंडो आईटी स्कूल, क्रूज रोड, कोका भिलाई, फोन 9303561235। पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। लुकिंग फॉर अ रिलायबल ऑनलाइन शॉपिंग साइट? वेलकम टू walkhart.com। We offer the best quality products at the lowest price with easy and fast delivery options. Search, discover, and choose from a wide selection of lifestyle essentials, such as home decoration, garden decoration, hotel decoration, fountains, donation boxes, school products, kids' corner, sports, tent decoration, wide range of cricket bowling machines, and many more. We combine innovation and tradition to give you the best in the market. Interior designers make contact to be our privileged customer on 74005, 74005. शिक्षण जो रोजगार दिलाए, कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा, इंदू टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 7415674157। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट परमानंद पांडे जी मौजूद है और हमारी चर्चा जारी है। हम अभी चर्चा में फिर से हम चर्चा जारी करते हैं और परमानंद पांडे जी हम आपसे पूछते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर को जो फैसला बताया था दिया था उसके उसमें 5 विद्वान जज शामिल थे, तो सारे जजों ने क्या कहा था चूंकि आप सुप्रीम कोर्ट में थे? देखिए सतीश जी, इसमें 5 जज बैठे थे, 5 जज में 3 जजों का फैसला तो एक तरफ का था, एक ही वो एक फैसला आया जिसको जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने पढ़ के सुनाया। वो जज थे जस्टिस चंद्रचूड़ स्वयं और जस्टिस पीजी गवई और एक और दूसरे जज थे सूर्यकांत। 3 जज का फैसला तो एक आया और दूसरा फैसला आया वो जस्टिस एस के कौल का था और सतीश खन्ना का था, ये खन्ना जी का फैसला था। अब ये दोनों फैसलों में कोई सब चीजों पर सहमति थी, बस सतीश को जो एस के कौल के फैसले में केवल एक बात का अंतर रह गया था कि उन्होंने कहा कि ट्रुथ एंड कंसिलिएशन, सत्य और सुलह की एक कमेटी गठित की जानी चाहिए, एक आयोग गठित किया जाना चाहिए जो तथ्यों का पता लगाए कि क्या स्थिति है, क्या स्थिति चल रही है और पहले की क्या स्थिति थी और किस ढंग से लोगों के बीच में भाईचारा और आपसी सद्भाव का वातावरण तैयार किया जा सके, इसके बारे में पता लगाया जाना चाहिए। लेकिन एक फैसला जो इन्होंने किया है, जो मुख्य रूप से सारे लोग उस बात पर सहमत हुए सर्वसम्मति से, कि भारत में जम्मू कश्मीर के विलय पर कोई सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता है। भारत में के विलय, जो जम्मू कश्मीर में विलय का सवाल आया था, उस पर जो संसद ने फैसला लिया है उस फैसले पर कहीं कोई सवाल अब खड़ा होने की गुंजाइश नहीं रह गई है। ये उस पर सत्य पूरी तरह से ठीक है, उसमें कोई कोताही नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है कि उसको उल्टा पलटा जा सके। ये तो बात आपको साफ क्लियर हो जानी चाहिए। ये एक जज ने नहीं, ये 5 जजेज ने कहा, डी आई चंद्रचूड़ ने कहा, कौल ने कहा, खन्ना ने कहा, ये सूर्यकांत जी ने कहा और गवई साहब ने कहा, ये 5 जजों ने मिलकर के इस चीज को उठाया है और कहा कि ये सवाल, तो ये ऐतिहासिक फैसला है। जी पांडे जी, जो जब केंद्र शासित राज्य अभी बना हुआ है, आप उसको राज्य बनाने के लिए तैयारी चल रही है, तो कितना विकास होगा जम्मू एंड कश्मीर का? देखिए जम्मू और कश्मीर का विकास तो एक उसको एक स्पेशल राज्य जैसे है, वो उसको पहले से उसको सारी सुविधाएं, क्योंकि वह बॉर्डर का एरिया है तो उसको एक तरह से, और चीन भी है एक तरफ और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, दोनों देशों के साथ हमारे अच्छे संबंध नहीं है तो उसको स्पेशल दर्जा दिया गया था। अब विकास की जहाँ तक बात आती है, आप देखिए कि विकास शांति में ही होता है, अगर अशांति छाई रहेगी तो निश्चित रूप से विकास की दर धीमी पड़ जाएगी। यहाँ पर क्या हुआ है कि आए दिन तो पथराव होता था, आए दिन यहाँ आतंकवादी घटनाएं होती थी, आए दिन यहाँ लोग घरों में घुस करके मारते थे, जो सामान्य तौर पर ये माना जाता था ये पाकिस्तान से फंडेड, पाकिस्तान से सहायता प्राप्त सारे आतंकवादी इन घटनाओं को अंजाम देते थे और उधर चीन भी कई बार उनको सहायता मिल जाती थी। निश्चित तौर पर अगर वहाँ शांति आएगी, आप देखे होंगे कि 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ पर कोई उस ढंग की ऐसी घटना नहीं हुई है जिसको लेकर के वहाँ पर बंदी की हालत आई हो। वहाँ पर पांडे जी, आपसे आपको मैं रोकना चाहूंगा और मैं पूछना चाहूंगा, आपने कहा कि 19 के बाद कोई भी आतंकवादी बड़ी घटना नहीं हुई, पत्थरबाजी नहीं हुई, लेकिन चीन के कब्जे की बात कांग्रेस के प्रमुख नेता राहुल गांधी हमेशा सदन हो या टीवी चैनल हो लगातार कहते हैं, तो आपने कहा कि 19 के बाद पथराव नहीं हुआ और आतंकवादी घटना नहीं हुई, लेकिन राहुल गांधी लगातार चीन के द्वारा अतिक्रमण की बात कह रहे हैं, क्या कितना सच्चाई है? देखिए सतीश जी, इसमें कितनी सच्चाई है, हमारी तो सच्चाई उसी बात पर निर्भर करती है कि जो मिलिट्री के लोग कहते हैं, जो मिलिट्री का आला अधिकारी इस देश में कहता है,
या मान लीजिए हमारे संसद में जो बयान दिए जाते हैं डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा या प्रधानमंत्री जो कहते हैं, हमारी सूचना उसी पर आधारित है। तो इस सूचना के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि चीन ने हमारी किसी जमीन पर कब्जा जम्मू कश्मीर में नहीं कर रखा है। चीन ने कब्जा करने की जो कोशिश की गई थी उस पर उनको धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। हाँ, 1962 की लड़ाई में चीन ने जरूर कुछ कब्जा कर रखा था, लेकिन वो कब्जे में अभी भी जमीन पड़ी हुई है, उसको खाली कराना बाकी है। ये इस सरकार पर निर्भर करता है कि कितनी दृढ़ता और कैसी कूटनीतिक स्थिति को अपनाता है कि वह जमीन जो कब्जे में है उनकी खाली करा लेता है। लेकिन एज ऑन टुडे आज की स्थिति यह है कि जो मिलिट्री के बड़े नेता हैं वो इसी बात को कहते हैं कि चीन ने हमारी किसी भी भूमि पर कब्जा नहीं किया है, हमारी एक इंच जमीन भी उनके कब्जे में जम्मू कश्मीर की तरफ नहीं है। हम उस जम्मू कश्मीर की तरफ जो भी उनके कब्जा करने की कोशिश की गई थी उससे उनको हमने मार भगाया है, जिसमें हमारे भी मारे गए थे 26 जवान। और लेकिन उनका कहना है कि इनका कहना है कि उनकी तरफ के 43 चीनी सैनिकों को हमने खुद मार गिराया है, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा हमको बताया गया है। और हमारी सूचना तो उसी पर आधारित होगी जो हमारे देश की मिलिट्री कहती है या हमारे देश के नेता लोग पदों पर रहने वाले बताते हैं। जी पांडे जी, आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 के तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख को विशेष दर्जा प्राप्त था, क्या था विशेष दर्जा? देखिए 370 और 35 ए, तो अगर ये धाराएं अगर जुड़ी हुई थी लद्दाख और जम्मू कश्मीर से तो निश्चित तौर पर ये तो विशेष दर्जा अपने आप में हो गया। क्या कारण है कि हम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश के लिए कोई और धारा नहीं जुड़ी हुई है? क्योंकि संविधान उसी तरह से लागू होता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक और महाराष्ट्र में, जैसा कि और जगहों पर लागू होता है। जो संविधान गुजरात में लागू है वही असम में लागू है, जो संविधान राजस्थान में लागू है वही मणिपुर में लागू है। तो ये तो स्थिति था कि ये एक तरह से हमको अलग थलग कर दिया गया था 35 ए और 370 के कारण। अब वो कोई विभेद नहीं रह गया है, तो एक तरह से उनको विशेष दर्जे की बात नहीं रह गई है। लेकिन विशेष दर्जा फिर भी राज्य को दिया जाता है, जो पिछड़े हुए राज्य होते हैं उनके लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाता है, और वो आर्थिक पैकेज अभी भी कश्मीर और लद्दाख के लिए प्राप्त है। इसके तहत उनको तमाम तरह की सुविधाएं, विशेष तरह की सुविधाएं मिलती रहती हैं, जिससे वो प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो सकें, वहां पर भी पूरी तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण हो सके जैसा कि अन्य राज्यों में होता है, और वह स्थिति बनी रहेगी। यही उसका विशेष दर्जा है, और जिससे कि उनको प्रगति के मार्ग पर ले आया जा सके, ये मुख्य उद्देश्य है उसका। पांडे जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता, जितने भी नेता थे, वरिष्ठ नेता, उन्होंने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया। वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नेताओं ने इस फैसले को गलत बताया। क्यों गलत बता रहे वो फैसले को? जम्मू कश्मीर के नेता इस फैसले को गलत बता रहे, क्यों? जी, आपका ये सवाल बहुत समीचीन है। वास्तव में प्रधानमंत्री, गृहमंत्री तो चूंकि इन्होंने इसके लिए एक पहल की थी कि धारा 370 और 35 ए को खत्म किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मुहर लगा दी कि यह फैसला सही था, तो निश्चित रूप से उसको वह उसका स्वागत करेंगे ही और ये उसको ऐतिहासिक फैसला बताएंगे। लेकिन आप जम्मू कश्मीर के कुछ नेताओं की बात कर रहे हैं, सत्यता तो यह है कि जम्मू कश्मीर के सारे नेताओं ने इसका विरोध नहीं किया है। जम्मू कश्मीर के कुछ नेताओं ने इसका विरोध निश्चित तौर पर किया है, जो कि ये एक राजनीतिकरण का एक हिस्सा है। उसमें महबूबा मुफ्ती हैं, उसमें शेख अब्दुल्ला हैं, शेख अब्दुल्ला के लड़के उमर अब्दुल्ला हैं, ये जो हैं, या पहले हमारे देश के जो मंत्री रह चुके हैं गुलाम नबी आज़ाद हैं, उनको वैली में, उनको घाटी में राजनीति करनी है। और घाटी का ऐसा माहौल बना हुआ था कि उन्होंने कहा था कि हम जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को, जो और राज्यों से अलग है, उसको हम नहीं जाने देंगे। तो जम्मू कश्मीर के अलग दर्जे का तात्पर्य ये होता है कि जम्मू कश्मीर से आया हुआ आदमी
भारत के किसी भी हिस्से में जा कर के अपनी पढ़ाई कर सकता है, वहाँ पर जा कर के नौकरी कर सकता है, वो बस सकता है, लेकिन भारत के अन्य हिस्से का कोई भी आदमी ना तो वहाँ पर जा कर के नौकरी कर सकता है न बस सकता है। इस नाते वो कहते हैं कि हम इस हिस्से विशेषता को बनाए रखेंगे, ये हमारा विशेषाधिकार है। अब इसको लेकर के वहाँ जम्मू कश्मीर के कुछ नेता तो विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन सामान्य जन जो है वह वहाँ का विरोधी नहीं है, क्योंकि सामान्य जन इसका स्वागत करता है। आप देखेंगे लद्दाख के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो आए हैं उन्होंने हृदय दिल खोल करके इसका स्वागत किया कि धारा 370 को खत्म कर दिया गया, और वहाँ पर जो चुनाव हुए हैं उस चुनाव में भी ये परिलक्षित होता है कि वहाँ की जनता ने इसका पूर्ण समर्थन किया है। अभी जो 30 सितंबर 2024 तक चुनाव हो जाने की प्रक्रिया है, विधानसभा का गठन हो जाएगा, उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, ये पता चल जाएगा कि जम्मू कश्मीर की जनता इस फैसले से खुश है या ना खुश है। अगर जनता इस फैसले से खुश है तो निश्चित तौर पर वो बहुसंख्या में आएंगे, वोट देंगे, मतदान करेंगे, और वो अपने रुचि के अनुसार कोई भी सरकार को बनाएंगे। वो पार्टियां भी शामिल होंगी उसमें चुनाव में, जो अभी ये कह रही हैं कि नहीं, अगर ये पार्टियां चुनाव में शामिल नहीं होती हैं तो निश्चित तौर पर उनका विरोध माना जाएगा, लेकिन अगर वो चुनाव में शामिल होती हैं तो इसका मतलब ये मान लिया जाना चाहिए कि उन्होंने भी इस फैसले का स्वागत किया है। जो संसद को अधिकार है कि वह बदलाव कर सके, और संसद ने उस बदलाव को दिखा दिया है। वो संसद का ये बदलाव निश्चित रूप से ऐतिहासिक है और ये सदियों तक याद किया जाएगा, जो कि हमको जम्मू कश्मीर से अलग रखता था। जम्मू कश्मीर में ये स्थिति आ गई है आज कि लोग वहाँ पर जो टूरिस्ट हैं, पर्यटक हैं, उनकी संख्या बढ़ गई है, वहाँ की इकोनॉमी और ठीक हो गई है, वह और सुदृढ़ होगी और स्थिति आएगी, यही बेहतरी होगी, या बेहतरी के लिए एक कदम और आगे बढ़ेंगे हम इस मामले में। पांडे जी, वक्त हो चला है, चूंकि हमारे पास समय कम है और हम हमारी चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी धारा 370 पर और धारा 35 ए पर, तो इसी तरह आपसे फिर दूसरे टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारा जो कार्यक्रम समाप्ति की ओर बढ़ गया और समाप्त कर रहे कार्यक्रम, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। दर्शकों, आपने सुना प्रेम जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी को, जिन्होंने धारा 70 पर कई अच्छी जानकारी दी, जो जानकारी हम आप तक पहुंचाए। इसी के साथ हम अपने कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। नमस्कार।